रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, 30 अक्टूबर से इस रूट पर चलेंगी नई फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें। जानें रूट शेड्यूल। दिवाली, धनतेरस, भाई दूज और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने कई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से होकर चलेंगी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल टेक राजकुमार दास मोबाइल एंड रेल इन्फो चैनल। आप में से काफी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देखो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। इन सभी ट्रेनों का रूट और शेड्यूल आगे वीडियो में बताया गया है। यात्री इन स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन, रेल हेल्प नंबर 139 या ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष ट्रेन 30 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 09597 राजकोट गोरखपुर राजकोट साप्ताहिक उत्सव स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर 2024 से प्रत्येक बुधवार को राजकोट से दोपहर 3:15 बजे चलेगी और अगले दिन रात 9:30 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी। ये ट्रेन 27 नवंबर 2024 तक संचालित की जाएगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09598 गोरखपुर से 31 अक्टूबर 2024 को प्त्येक गुरुवार को रात 11:30 बजे चलेगी और शनिवार को सुबह 10 बजे राजकोट पहुंचेगी। ये ट्रेन 28 नवंबर 2024 तक संचालित की जाएगी। यह पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा फोर्ट, इटावा, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09445 साबरमती लखनऊ साबरमती साप्ताहिक उत्सव स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा। ये ट्रेन साबरमती से हर बुधवार को रात 10 बजे चलेगी और अगले दिन रात 8:50 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से साबरमती के लिए ट्रेन संख्या 09446 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये ट्रेन हर गुरुवार को लखनऊ से रात 11:50 बजे चलेगी और अगले दिन रात 9:30 बजे साबरमती पहुंचेगी। मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा फोर्ट और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 07315 हुबली मुजफ्फरपुर पूजा स्पेशल ट्रेन दिनांक 4 नवंबर 2024 को हुबली से 5:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 4:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07316 मुजफ्फरपुर हुबली पूजा स्पेशल दिनांक 9 नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर से दोपहर 1:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 10:30 बजे हुबली पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03501 आसनसोल कटिहार स्पेशल 3 नवंबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे आसनसोल से प्रस्थान करेगी जो अगले दिन रात 1:30 बजे कटिहार पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03502 कटिहार आसनसोल स्पेशल 4 नवंबर 2024 को रात 4:15 बजे कटिहार से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 2:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, कियूल, बरहिया, हाथीदह जंक्शन अपर, न्यू बरौनी, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, खगड़िया, थाना बिहपुर, नौगछिया और कुरसेला स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 03507 आसनसोल नौतनवा स्पेशल 2 नवंबर 2024 को दोपहर 4:05 बजे आसनसोल से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:35 बजे नौतनवा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03508 नौतनवा आसनसोल स्पेशल नौतनवा से सुबह 8:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 3 नवंबर 2024 को रात 1:25 बजे आसनसोल पहुंचेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, कियूल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सीवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर और आनंद नगर स्टेशनों पर रुकेगी। नोट, यात्री इन विशेष ट्रेनों के ठहराव के बारे में विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन, रेल हेल्पलाइन नंबर 139 या ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं या www.inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर भी विवरण प्राप्त कर सकते हैं। सभी ट्रेनों की बुकिंग PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री रेलवे की वेबसाइट से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।